और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के नेता आज बैठक करने वाले हैं और राहुल गांधी भी अब इस बैठक के लिए पटना पहुंच चुके हैं, जबकि कई नेता कल ही पटना पहुंच चुके थे। जानकारी यह मिली है कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की जो ये बड़ी बैठक है वो 11:30 बजे शुरू होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। ये तस्वीरें आप देखिए पटना में, जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े नेता मौजूद रहते हैं और खुद नीतीश कुमार को भी इस वक्त आप देख सकते हैं। और जैसा कि बीजेपी लगातार हमलावर है इस बैठक को लेकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रमोहन का रुख करते हैं, सीधा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ 17 दल आज जोर आजमाइश कैसे की जाए इसको लेकर रणनीति बनाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी और उम्मीदवार उनका तय है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये दल आपस में एक दूसरे को अभी से आंखें भी दिखा रहे हैं, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए और सबसे जो बैठक होने वाली है उसमें अहम बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तरफ से जो शर्तें रखी गई है उसको लेकर क्या रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि पहले उनके बातों को सुना जाए और उनके बातों को नहीं अगर सुना गया तो इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। वहीं साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आखिर इस जो ये जो बैठक हो रही है उसका अगुवा कौन होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक जरूर हो रही है लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूर है कि इस बैठक के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें तमाम दल एक साथ हैं, लेकिन उनके आगे का एजेंडा क्या होगा आज इस बैठक में तय होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस बैठक के बाद वो बातें सामने आ जाएंगी कि नीतीश कुमार को जो कन्वेनर बनाने की कई दिनों से चर्चा चल रही है कि आज जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के लिए ऐलान कर दिया जाएगा, क्या वो आज हो पाएगा? अगर वो नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी इसका भी इंतजार रहेगा। और इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि आज की बैठक का निहितार्थ क्या। चंद्रमोहन।